परख से परे है शख्सियत मेरी, मैं उन्हीं के लिए हूँ जो समझे कदर मेरी। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मोटिवेशन माय मोटो में, और मैं हूँ प्रगति मिश्रा। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से अगर लोग आपका बार बार अपमान करते हैं तो आप उनके साथ कैसे डील करें, उनसे कैसे बदला लें। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। कई बार हमारी लाइफ में ऐसे लोग आते हैं जो अननेसरी हमसे लड़ते हैं, हमें परेशान करते हैं, कई बार तो हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एक टाइम बाद हमें इन्हें इग्नोर करना बहुत मुश्किल होता है। और क्या होता है, हम इनसे झगड़ा करते हैं, और झगड़ा करते हैं हमारा मूड खराब होता है। जब हमारा मूड खराब होता है तो हमें ऐसा लगता है कि अरे यार इस इंसान ने मेरा मूड खराब कर दिया, पर एक्चुअल में वो इंसान आपका मूड खराब नहीं करता, आप खुद अपना मूड खराब करते हैं। जी हाँ, हम खुद अपना मूड खराब करते हैं, क्योंकि हम किसी इंसान को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि वो हमारा मूड खराब करते हैं। क्या आप जानते हैं कि लोग आपके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों करते हैं, क्यों लोग आपकी इतनी इंसल्ट करते हैं? अगर आप नहीं जानते तो मैं बताती हूँ, इसके सिर्फ दो रीजंस हैं। पहला तो ये कि लोग आपसे जलते हैं। जी हाँ, कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि जो वो पाना चाहते थे अपनी ज़िंदगी में वो उन्हें नहीं मिला, लेकिन आपको वो सब कुछ मिल चुका है। तो वो लोग आपसे जलते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता देखकर कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ बेटर कर रहे हैं। इसलिए वो लोग आपको बार बार इंसल्ट करते हैं, आपको बार बार छोटा फील कराते हैं, ताकि आपको बुरा लगे, ताकि आप कभी भी खुश ना रह पाएं। कई बार सो कॉल्ड सक्सेसफुल लोग भी आपको इंसल्ट करते हैं, आपको छोटा फील कराते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो खुद आपके आगे छोटा फील करते हैं। जी हाँ, कई बार सो कॉल्ड सक्सेसफुल लोग भी आपकी पोटेंशियल के आगे, आपकी क्वालिटीज़ के आगे, आपकी पर्सनालिटी के आगे खुद को छोटा फील करते हैं। उन्हें लगता है कि वो कुछ भी नहीं है, इसलिए वो आपको परेशान करके, आपको इंसल्ट करके, आपको दबाकर खुद का ईगो मसाज करते हैं, ताकि वो खुद में अच्छा फील कर पाएं। इसीलिए आपको चाहिए कि आप ऐसे लोगों को बेवकूफ़ समझकर पूरी तरह से इग्नोर कर दें, क्योंकि इनका टारगेट ही है कि वो आपको इतना परेशान करें, इतना इरिटेट करें कि आप कभी भी अपने आप को अच्छा महसूस ना कर पाएं, कभी भी अपने काम पर फोकस ना कर पाएं। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि ऐसे लोगों को पूरी तरह से इग्नोर कीजिए, अपने काम पर पूरी तरह से फोकस कीजिए, क्योंकि जब आप अपने काम पर फोकस करेंगे, ऐसे लोगों को भी ध्यान नहीं देंगे, तो आपकी मेहनत का नतीजा कभी ना कभी तो दिखाई देगा। और जानते हैं, जब आपकी काम का, आपकी मेहनत का नतीजा दिखाई देगा तो ऐसे लोगों के मुंह पर एक बहुत ही करारा, अच्छा, मज़ेदार, झन्नाटेदार जब पड़ेगा ना, तो उसकी गूंज आपके दिल में ऐसी आएगी कि आपको बस बाय गॉड मज़ा ही आ जाएगा। तो किसी से भी अगर बदला लेना है तो मुंह से कहकर बिल्कुल भी मत लीजिएगा, उन्हें 100% इग्नोर कीजिए, अपने काम पर ईमानदारी से फोकस कीजिए। क्योंकि मैंने बताया ना, जब काम बोलता है तो बहुत लोग चुप हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।